यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चुनावी साल नजदीक आने के साथ ही राज्य में तरह तरह की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ताजा घटनाक्रम में रोहतक के एक शख्स ने जिला अदालत में इस्तगासा दायर कर 28 साल पहले हुए महम कांड की दोबारा जांच की मांग की है। विशेष बात यह है कि याचिकाकर्ता ने ऐसी याचिका पहले महम में मैजिस्ट्रेट के पास लगाई थी, लेकिन वहां से इसे अस्वीकार कर दिया गया था। दायर की गई याचिका में कुछ कारण गिनवाकर महम अदालत के फैसले को गलत बताया गया है और इस अपील को स्वीकार कर दोबारा जांच की मांग की गई है। साथ ही वो तमाम कारण भी लिखे गए हैं जिनकी वजह से शिकायतकर्ता को लगता है कि जांच दोबारा होनी चाहिए। शिकायतकर्ता ने अपने हवाले से उस वक्त का घटनाक्रम लिखा है और उस वक्त हुए एक वाक्य के लिए इनेलो नेता अभय चौटाला समेत कई लोगों को आरोपी बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि साल 1990 में महम उपचुनाव के दौरान हिंसा हुई थी और इसी मामले में पहले महम कोर्ट में भी मामला जा चुका है, लेकिन वहां से केस किन्हीं कारणों के चलते नहीं चल पाया था। इस्तगासे के मुताबिक आरोप है कि 28 फरवरी 1990 को उपचुनाव के दौरान सुबह ही अभय चौटाला समेत कई लोग पहुंचे थे और उन्होंने मतदान केंद्र पर फायरिंग की थी। आरोप है कि इस फायरिंग में शिकायतकर्ता के भाई को भी गोली लगी थी। इस कांड को लेकर पहले भी महम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। तो यहां पर आपको बता दें कि 1990 में महम उपचुनाव में हिंसा का ये मामला है जिसमें एक शिकायतकर्ता ने याचिका लगाई है और मतदान केंद्र पर फायरिंग के आरोप लगे हैं और इसमें दुष्यंत, तो यहां पर आपको बता दें कि नेलो नेता भी इसमें शामिल है और मामले में अभय चौटाला को आरोपी बनाने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने मामले की दोबारा से जांच की मांग की है। तो यहां पर आपको बता दें कि इनेलो के अभय चौटाला को भी आरोपी बनाने की मांग की गई। इसके साथ सात अन्य लोग हैं जिन्हें आरोपी बनाने की मांग की गई है और इस मामले पर दोबारा से जांच हो ऐसा शिकायतकर्ता चाहता है। और आपको बता दें कि इस शिकायतकर्ता की उस वक्त फायरिंग में भाई को गोली लगी थी, जिसको चलते दोबारा से याचिका लगाई गई है और इस पर जांच की मांग की गई है। तो मामले में अभय चौटाला को भी आरोपी बनाने की मांग की गई है। तो यहां पर आपको बता दें कि 1990 में महम में उपचुनाव में हिंसा का यह मामला है और इसमें एक शिकायतकर्ता ने दोबारा से अर्जी लगाई है कि इस पर दोबारा से जांच हो। तो यहां पर आपको बता दें कि मतदान केंद्र में फायरिंग के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता के भाई को गोली लगी थी। 1990 के महम उपचुनाव का ये मामला आपको बता रहे हैं जहां पर मामले में अभय चौटाला भी सम्मिलित थे।